क्वेश्चन पढ़ने में सुनो, इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्योरिफाइंग एंड मार्केटिंग ऑफ बॉटल्ड वाटर। एमएल परचेज द बॉटलिंग प्लांट ऑन 1 जुलाई 2006 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 90 मिलियन। सर बॉस ठीक है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी बताइए, बॉस ठीक है? बीच में मुझे लग रहा था मसला है। जी सेकंड पैराग्राफ सॉरी मैं साथ दोबारा शुरू कर लें। एमडब्ल्यूएल परचेज द बॉटलिंग प्लांट ऑन परचेज डेट क्या है? 90 मिलियन। लाइफ क्या है? 10 इयर्स। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन और अ प्लांट्स यूजफुल लाइफ। एमडब्ल्यूएल रिवैल्यूड इट्स प्लांट एट द एंड ऑफ एवरी 2 इयर्स। अंडरलाइन करना रिवैल्यूड अमाउंट डिटरमाइंड बाय डेट वैल्यूअर्स एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स आर एज फॉलोस। 30 जून 8 है, 10 है, 64 मिलियन और 60 मिलियन। कितने अरसे बाद रिवैल्यूशन हो रही है और ये रेंट पे हो रही है। हाउएवर देयर वाज नो चेंज इन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड रिजर्व ऑफ द प्लांट। यहां तक तो बातें पुरानी है। देन वो कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून एंड 11 वाज 80 मिलियन एंड 60 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही कैलकुलेट हो गया होगा। जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आना है वो सही आ गया होगा, अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन कि कोई गलती हो गई है। टैक्स अथॉरिटी इज अलाउड टैक्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बस इसके अंदर ही जो टेम्परेरी परमानेंट है उन्हीं पे बहस होनी और टैक्स रेट एप्लीकेबल है। टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 40% ऑन एनडब्ल्यूएल। देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। नंबर वन प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 7, 8, 9, 10, 11 पांच साल। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन for the year ended 30th June 2011 in accordance with the international financial reporting standards. ब्रैकेट में जाएं, comparative figures are required. कौन सा साल भी 11 के साथ 10 भी required है। accounting policies are not required, वो ठीक है, लेकिन ये note का meaning क्या है? Note on taxation, box of tax, current tax, deferred tax और prior year accounting. प्रॉफिट बिफोर टैक्स से रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ नोट ऑफ टैक्सेशन करंट ईयर, करंट टैक्स, डेफर टैक्स और अगर हुआ तो प्रायर ईयर टैक्स। ठीक है जी, एंट्रीज करते हैं। बहुत सी एक्स्ट्रा वर्किंग्स की जरूरत पड़नी हमें, तो मेरा ख्याल है जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मत करना। पेज नंबर जी, पेज नंबर सर सॉरी पेज नंबर 473 है। Full concentrate business name बता दे। मर्करी वाटर लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे जी आज। फॉर द ईयर एंडेड पहला कौन सा बन जाएगा? 30 जून 7
सर जी जरूरत पड़ेगी तो बना, मुझे टेबल बनाना है, टेबल बनाना है, चेयर बनानी है, मतलब ये क्या साइंस हुई है, इस चीज की जरूरत पड़ेगी बना लेंगे, वो टेबल में बने, चेयर में बने, लेजर में बने। रुपीज इन मिलियंस में करना, फॉर्मेट एक बना लिया करें यार, कल भी शायद मैंने कहा था अगर एंट्रीज करनी है, कौन सा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट, जी सर पहली रेलिवेंट डेट बोले, साथ साथ सोचना है और करवाएंगे तो सबसे बेस्ट। जी डबल एंट्री पहले, प्लान, डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, रुपीज 90। जी नेक्स्ट डेट 30 जून, 7 ईयर वापिस जा रहे हैं, प्री एक्विजिशन पीरियड में जा रहे हैं सर, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे 90 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स लाइफ है यार पूरे साल की, वजह पूरा साल ही बनता है सर, जो स्टूडेंट साथ रहेगा प्लीज, नेक्स्ट डेट सोच के सब कुछ देख के, लास्ट पैराग्राफ, टैक्स डेप्रिसिएशन भी तो है लेकिन उससे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक भाई ने भी बात की, करंट टैक्स भी रेलिवेंट होता अगर 7 का प्रॉफिट दिया होता। ये प्रॉफिट आपको किन सालों के दिए हुए, 10 और 11 में जाके करंट टैक्स भी जहन में रखना है। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होके टैक्सेबल प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे, लेकिन 7 में ये करना क्यों मुमकिन नहीं हमारे लिए, डिफरेंस तो पता है, डिफरेंस तो पता है डेप्रिसिएशन वगैरह में अगर होगा, लेकिन वो एडलेस किस में होना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स किन सालों में अवेलेबल नहीं लग रहा, 7, 8, 9, लेकिन 10, 11 में जाके अवेलेबल है, तो करंट टैक्स की वर्किंग भी रेलिवेंट हो जाएगी। लेकिन क्या डेफर टैक्स की सफिशियंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सी सफिशियंट, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की है। अब आपने 5 सालों की वर्किंग करनी है, कल आपको तो आइडिया हो गया सब स्पेस कितनी चाहिए, तो कहीं कम ज्यादा अगर मैंने छुड़वाई थी तो अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ो। अब बताएं कौन सी वर्किंग करनी पड़ गई है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड अब करनी पड़ गई है ताकि क्या निकल सके, डिफरेंस आ सके। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, टाइम लिमिटेशन होती हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हो तभी बात बनती है। आज तेजी से चले, थोड़ा सा डेट्स का, ईयरेंट्स का डिसीजन ले लेंगे, मैंने इसलिए डेट लिखा है, ईयरेंट्स पे डेबिट टैक्स आना ना, तो कैरिंग अमाउंट के कॉलम होगा, टैक्स बेस का होगा, डिफरेंस का, डिफरेंस चले कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, डिफरेंस सॉल्व करना है, डेट्स के कॉलम पे मैंने बना दिया, मैंने बहुत सही रेंट है। अब अगर आप किसी एक साल के एंड पे कर रहे हो तो मैं पता होता, ऊपर डेट लिखी होती है एज ऑन, अब यहाँ बार बार हमें लिखना पड़ेगा कौन सा था हो गया, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, अकॉर्डिंगली फिगर्स भी लिखेंगे।
कल की है यार, डिफरेंट ईयर्स आ गए थे बीच में। कल देखें टेबल ऐसे बनाया जाए, कोई ईयर एंड लिखने पड़े हमें, बल्कि साथ डेप्रिसिएशन भी कुछ एक्सप्लेन कर दी थी ताकि सारी पिक्चर सामने आ जाए। चलें जी स्टार्ट लें। कब खरीदा है? फर्स्ट जुलाई सिक्स। कितने का खरीदा है? 90 टैक्स में, 90 है जी। एक साल करवा दें, यूज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन करवा दें, करवा दें। 9 9 ठीक है। टैक्स की किस रेट पे, किस मेथड पे, ये दो चीजें मुसलसल ध्यान में रखनी है। 20% रेट है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। टैक्स में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चलेगा और 20% रेट कस्टमर दिया, 20% रेट। आंसर बना 18। पहला साल है, रेट किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? कॉस्ट से, विदाउट डिडक्टिंग एनी रेजिडुअल वैल्यू फाइनली। ओके सर, कौन सी डेट आ गई? करवा दें, करवा दें, पहला साल पूरा करवा दें। 30 जून 7 कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्सेबल डिडक्टेबल। चला दें गेम। टैक्सेबल डिडक्टेबल रेट 40% है टैक्स का। आंसर आया 3.6। एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी देखें, ये ऑनलाइन सर साथ है। बड़ा गलत डिसीजन हुआ है। अच्छा भला भाई जा रहा, अब ज्यादा अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। जी 3.6 क्या है? टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आया है। अब नीचे ये वर्किंग भी 7 8 9 10 11 5 साल जानी है, इसके लिए भी स्पेस रखें। अब क्या जहन में आ गया मेरे, इसका उसकी क्या जरूरत है? क्लोजिंग मिल तो गया है, क्लोजिंग मिल तो गया है, बताइए चाहिए। स्टार्ट में भी लायबिलिटी यही है, आगे देखते हैं फिर लायबिलिटी है या एसेट है। क्लोजिंग क्या मिल गया? 3.6 पर इतना ही फॉर द ईयर भी है, ब्रॉड डाउन ना होने की वजह से डबल एंट्री फाइनल करना है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। जी एंट्रीज हो रही करें आप। 30 जून 7 ये बेटा भी एलिमिनेशन कहाँ से आ गई? कम ऑन यार, अभी रिवॉल्यूशन कहाँ से आ गई? अभी कहाँ है ये तो डेफर्ट एक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई है, क्या एंट्री करनी है? डेफर्ट एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ट एक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कर 3.6 ठीक है, 3.6 ठीक है। कौन सा साल एंड हो गया? तो 7 के एंड पे तो रिवेलेशन भी है, 8 के एंड पे आगे बताने क्या करना? पहले ईयर एंड लिख लग रहा जेन में जरा सेट रख लें। अब हम कौन से साल में आ गए? 30 जून 8 जी बिल्कुल ठीक है। अब तरतीब जरा बना लें, आपका क्या जेन कहता है? पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करके ईयर एंड पे आ जाएंगे, हाँ जी, फिर रिवेल्युएशन करेंगे, एलिमिनेशन होगी, रिवेल्युएशन होगी, और फिर वहां रुक के एक और चीज सोचें, एक या दो शायद सोचते हैं। जी सर डेट 30 जून 8 डबल एंट्री, पुरानी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो बचपन में होती थी,
डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 9। तो यार सेम ही हो जाएगी, मेथड रिड्यूसिंग नहीं, कहाँ रिड्यूसिंग है? 30 जून 8 एलिमिनेशन की चल एंट्री कर देते हैं। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 18 समझ आ जाएगा, ये तो 9 है यार, वो पुरानी एलिमिनेट हो गई है, पहली दफा अब हुई है। सेम रेट दोबारा लिखना, फिर छोटी सी एक वर्किंग करनी है, यही करनी इस तरह की छोटी छोटी वर्किंग, तो चले साथ कर लेते हैं। इसको किससे आप कंपेयर करके देखना, कैरिंग अमाउंट बनवा दें 90 माइनस 18 72, फेयर वैल्यू बता दें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट फेयर वैल्यू 64 क्वेश्चन में 64 ट्वेंटी मिल जाएगा, 64 30 जून 8 डिफरेंस सरप्लस या लॉस पहली रिवॉल्यूशन पे, वाई लॉस तो सरप्लस होता है फर्स्ट रिवॉल्यूशन पे, डबल एंट्री यार, रिवॉल्यूशन लॉस डेबिट प्लांट क्रेडिट, लॉस सीधा कहाँ गया? ओ सीआई में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तो बहस बिल्कुल खत्म हो गई, वो वाली जो पिछले दिनों में हुई है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है तो हमें कोई अलग वर्किंग की जरूरत नहीं है, जब हम डेफर टैक्स की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे उसमें इसका इफेक्ट खुद ही आ जाए। सिर्फ किस दिन क्या याद आना चाहिए, जिस दिन सरप्लस डेबिट क्रेडिट होगा अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, उस दिन साथ ही उसका टैक्स इफेक्ट कैलकुलेट करना, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना। जी बात खत्म हो गई, क्या रह गई, क्या रह गई? डेफर टैक्स है, आए टेबल में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ चल रहे, इस टेबल को थोड़ा सा कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन कर लीजिएगा ताकि जरा रिवाइज करते हुए आसानी रहे। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आएगी जी, इसमें कितनी अकाउंटिंग में 9, टैक्स में कैलकुलेट करते हैं 14.4, लेकिन अभी कैरिंग अमाउंट नहीं निकालनी, अकाउंटिंग में गौर से देखें 81 माइनस 9 72 पे आया है, क्या अकाउंटिंग में रिवेल्यूएशन का इफेक्ट आएगा? एंट्री बोले लॉस की, एसेट क्रेडिट भी होना है, तो रिवेल्यूएशन लॉस से एसेट क्रेडिट भी होना है, कितने से नाना, कितने से 8 से, और फाइनली हमारी कैरिंग अमाउंट 64 बन जाएगी, और टैक्स बेस में लॉस का इफेक्ट नहीं आना, ऐसे ही है सर? डिफरेंस बताएं, करें सॉल्व करें, 57.6 30th June 2008 डिफरेंस लें, डिसीजन लें 6.4 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 40% 2.56 क्या है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का फिर क्लोजिंग बैलेंस पहले आया है। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? जी ऑल स्टूडेंट्स, जी लेजर फाइनल करें, ब्रॉट डाउन हो गया 3.6, कैरी डाउन आ गया 2.56, डिफरेंसेस गौर से देखने हैं, डेबिट डिफरेंस आ रहा है 1.04, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जानी बैलेंसिंग फिगर, डबल एंट्री फाइनल कर लें, डेफर टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स जाने दे, एसेट क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट यार। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट वाली एंट्री की क्या सेंस है? नहीं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट, लायबिलिटी भी कम हो जा रही है, एसेट भी कम हो जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं? प्रॉफिट लॉस में इसका इफेक्ट आना है। ठीक है सर, जाने दे, दो दफा हुआ है, एक दफा मैंने कहा खैर वैसे ही हुआ है, दूसरा फिर हुआ था। अमाउंट 1.04, कौन सा साल फिर आपने एंड कर दिया है यार, कौन सा साल शुरू कर दिया है? बिल्कुल सही है भाई, ने आवाज आई भाई की, 30 जून 2008 पे रिमेनिंग लाइफ गिन के आगे जाए, रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, कितनी रह गई है? इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ तो कहता है लाइफ में चेंज नहीं है, इसीलिए तो रिमेनिंग ली है, इसीलिए तो 8 ले रहे हैं, 2 गुजर गए हैं, 8 इसलिए तो ले रहे हैं कि टोटल 10 रहे हैं। अगर वो रिमेनिंग लाइफ बदल देता तो हम बोल लेते, उसने कहा नहीं चेंज हुआ इसलिए तो रिमेनिंग ले रहे हैं, अजीब बात है, अगर नहीं चेंज हुई तो 10 से नहीं चाहिए, अगर 10 रहेंगे तो टोटल 12 हो जाएगी, रिमेनिंग इसलिए ले रहे हैं कि नो चेंज है, रिमेनिंग लेने से ही चेंज नहीं आएगा। ठीक है सर, अब ये सेंटेंस पहले देखा, क्या करते थे उस वक्त? वही करते होंगे जो आप करने लगे, व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ, ये करें जी 2009, बिल्कुल सिंपल है, माइंड अप 2009, खुद से सोचें क्या क्या इस साल होना है। हाँ जी, 9 मेरी वैल्यूएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कैसे? 64 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8, नहीं यार। हाँ जी, डेप्रिसिएशन डेबिट ठीक, और कुछ इस साल सरप्लस ट्रांसफर होना है, जाने दें यार, सरप्लस आया ही नहीं तो लॉस ट्रांसफर कर देते हैं जी, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हो रही है जी। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है, फिगर्स जाने लगी पॉइंट्स में, तो उसको साइंस में कैंडी बनाएगा, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन लिखवा जी, क्या आई है 8, टैक्स की कैसे आएगी, कैसे आएगी, अभी करते रहना, WDV से रेट मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, 57.6 मल्टीप्लाइड बाय 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिफरेंस आ गया है 11.52, सॉरी डेप्रिसिएशन आ गई है, कैरिंग अमाउंट्स बनाए। हाँ जी ठीक है, 30 जून 2009, 56.46.08, डिफरेंस 9.92, टैक्सेबल है डिडक्टेबल है, टैक्सेबल ही चल रहा है 40%, 3.968, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं 7, लेकिन मैंने असल में आपको कुछ फिगर्स पूरी रिकनसाइल करके दिखानी है, तो इसलिए इस वक्त आज क्लास में अभी राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है, क्या एग्जाम में अलाउड है? यकीनन है कि आपने कर ली है, अच्छा किया है, मेरा अगर राउंड ऑफ हो गया आपने कहा नहीं नहीं पूरा मैच नहीं हुआ, मैंने आपको 2-3 रिकन्सिलियेशन बनानी, तो मैंने पूरा पॉइंट्स में लिख दिया, आप भी पूरा लिखो, एग्जाम में भी पूरा लिख के टाइम जाय करेंगे हरगिज नहीं करेंगे, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज आपने मेरा टाइम वेस्ट करना है, रिकनसाइल नहीं हुआ तो वो ज्यादा खतरनाक टाइम वेस्ट हो जाता है, तो प्लीज 3.968 ये लेजर बनाए, ये लेजर क्यों बनाना शुरू कर देते हैं हम अचानक, क्या मिला है क्या ढूंढने के लिए,
लाइब्रेरी मेरा ख्याल है कि बढ़ रही है, 1.408, राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है। बात मैं कह रहा हूँ कि ना करें, मुझे लगता है अब ये करना क्यों ना करें, और जब मैं कहता हूँ उस वक्त क्यों कर रहे हैं, जज्बात से खेल रहा हूँ। 1.08 क्या है, 408 सॉरी क्या है, डबल एंट्री लिखें। डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट। अच्छा ये क्वेश्चन है, यकीनन आप इंडिविजुअली भी आप करने की पोजीशन में आगे हुए, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए मेरे साथ ही करें ताकि बाद में सब पूरी कंप्लीट हो जाए, आप इंशाल्लाह फिर घर में आज यकीनन अच्छे अच्छे सवाल दो करेंगे। फिलहाल जरा साथ साथ रहिएगा, जो मेरे साथ है असल इशू था वो जरा दोबारा सही तरह रिजॉल्व कर लीजिएगा। आपकी कुछ फेवरेट चीजें भी ये पुरानी आ रही हैं जी, यहाँ तक ओके। कहाँ तक पहुंचे, 9 का एंड अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। कौन सा साल शुरू होने लगा, ईयर एंडेड 30 जून 2010, पहली डेट बने साथ साथ रहे, आगे ना जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे, ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे, ठीक जी। डेप्रिसिएशन तो आता है, डेप्रिसिएशन 8 बताते हुए कंफर्टेबल है, कैसे 8 कैलकुलेट हुआ? हाँ जी, अगर किया भी है तो 64 डिवाइड बाय 8 हुआ जी, बिल्कुल ठीक है। इलिमिनेशन आ गई, इलिमिनेशन की एंट्री, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट बाय 16, सेम डेट दोबारा लिखें। अब फेयर वैल्यू से कंपेयर करके क्या करना है, सरप्लस लॉस का डिसीजन लेना है। रेडी है सारे, वर्किंग कर लें। कैरिंग अमाउंट बताएं, कैरिंग अमाउंट 48 कैसे है, फुल कंसंट्रेट छोड़ दें, एक दूसरे के साथ बहस छोड़ दें, 48। फेयर वैल्यू बताएं 60, कहाँ है 60? जॉनी स्टूडेंट्स कांडी आप भी जरा फाइनल करें, 60 तक आ जाए, 60 डन है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक सही है, जेन में ले। लॉस रिवर्सल होनी है, फर्स्ट टाइम सरप्लस नहीं आ रहा, लॉस के बाद सरप्लस आ रहा है, तो इसकी तरह वर्किंग कहीं अलग कर लें, नहीं इसकी अब यहाँ वर्किंग मेरा मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लें, दोबारा रिवाइज कर लीजिए। वर्किंग्स की जगह पे है जहाँ लेजर बन रहा है, कितना सरप्लस आ गया है, सारा ही इक्विटी का पार्ट है, सारा ओसी में जाएगा, कहाँ कहाँ कितना जाएगा रिवाइज कर लेते हैं सही तरह। वर्किंग्स में कहीं आ जाए, लेजर अब बना रहे हैं, लेजर में के लिए जगह चाहिए भी, रखे रखें जब स्पेस रखें, एग्जाम में भी डिसीजन लेने पड़ेंगे, कितनी की जगह रखें खुद से डिसीजन लें, क्या करने के लिए कहाँ चला गया यार, ये तो बता दें यार, कमाल हो गया। रिवर्सल ऑफ लॉस की वर्किंग के लिए अब वर्किंग में चला गया, टोटल सरप्लस आया कितना है ये रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ सारी फिगर, इसका तरीका क्या होता था, याद आ जाएगा इंशाल्लाह। फेयर वैल्यू क्या है बेटा, वही है जो क्वेश्चन में है, अभी देखिए 60 फेयर वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट क्या है 64 माइनस 16 48, करीजिए भाई साहब जाने दे गुस्सा यार, कभी पेज नंबर क्या है, कभी फेयर वैल्यू क्या है, सब लोग रुक जाइए पहले फिगर्स ढूंढ लें अपनी एंट्रीज में, जाए क्या तरीका होता था जी, कितना लॉस रिवर्स होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया हो, 8 साल आप ले रहे हैं इसलिए क्योंकि सारा प्रॉफिट लॉस में गया था, अगर कुछ सरप्लस से एडजस्ट होगा तो वो नहीं लेना, जो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस गया था वो उठाना है।
देन फिर आर्ट लॉस की वजह से अगले सालों में डेप्रिसिएशन, ये दोबारा जरा वर्किंग देखें अपनी एंट्री से, डेप्रिसिएशन पर एनम 9 चलती जा रही थी, दो पहले 2 साल 9 चार्ज हुई है, उसके बाद फिर 8 क्यों हो गई, लॉस से क्या हुआ, एसेट कम हो गए, तो 1 मिलियन पर एनम 9 माइनस 8 कम चार्ज हुई है, लेकिन 1 साल गुजरा है, बीच में 2 गुजर गए, कौन कौन से गुजरे हैं, 9 10 9 10 देख ले सही चीज, तो डेप्रिसिएशन के भी डिसीजन लेने, तो कम चार्ज हुई उसकी भी कंपनसेशन होनी है। वर्ड्स क्या होते थे, अच्छा हो सकता है किसी कुछ लोगों ने किसी और तरीके से कोई हेडिंग्स वगैरह इस तरह लिखी हो कभी, लेकिन आपका नेट आंसर फिर में से मैच होना चाहिए अगर वर्किंग कोई अदरवाइज कोई कर रहा। रिवर्सल ऑफ लॉस 8 है, डेप्रिसिएशन पर एनम कितनी चार्ज हो रही थी, 9 9 चार्ज हो रही थी, सॉरी 9 चार्ज होनी थी और लॉस के बाद 8 चार्ज हुई है, देख 2 सालों का इम्पैक्ट, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है या रिवर्स होनी है, लॉस वर्स होना है, डेप्रिसिएशन का नेट इफेक्ट रह जाएगा 6, नेट लॉस टू बी रिवर्स। आपने जिन अदरवाइज अगर किसी ने किया ये 6 तक आप ऐसे ही पहुंच सकते हो, लॉस को 2 साल बाय 8 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय, तो नेट हमारा आंसर 6 से मैच कर देगा, आपने 8 लिखा होगा, 2 बनाने के लिए आपने 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 2 किया होगा। ये फाइनली रिटेन्ड अर्निंग्स सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर कितनी रहेगी, और 6 फिर आप कहाँ जाना है, इक्विटी में बिल्कुल जाना है, लेकिन कहाँ से होता हुआ कहाँ जाना है, ओसीआई से होता हुआ अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में सरप्लस में जाना, कहाँ प्रेजेंट होके कहाँ जाना है, एंट्री बना लेते, चले छोड़ एंट्री बना लेते, बल्कि बनाएंगे आप खुद से, आप लोग खुद से करें, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ बुला लूंगा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से फिगर्स क्लियर होगी। ये दूसरा 6 कहाँ से आ गया जो मैंने राइट साइड पे लिखा, दूसरा 6 टोटल 12, 6 रिवर्सल ऑफ लॉस प्रॉफिट लॉस में बैलेंसिंग फिगर आई, ये रिमेनिंग जी मैं ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, डबल एंट्री अपने हाथ से लिखे और सरप्लस लिखते हुए वर्ड्स ओसीए लिखेंगे या नहीं, ओसीए कब लिखेंगे, जब भी कभी सरप्लस डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा सवाय किस एंट्री के, क्या पूरी एंट्री बनी प्लांट डेबिट कितने से, प्लांट डेबिट कितने से, एसेट है 48 पे जाना है 60 पे, रिवर्सल ऑफ लॉस की अमाउंट कहां जानी है, रिवर्सल ऑफ लॉस 6 की अमाउंट कहां जानी है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना जरूरी है, और रिमेनिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस की कहां जानी है, मई 6, अगर आधा आधा ही होना तो इतनी दबकी क्यों की है, आधे आधे का पता लगाने के लिए दबकी की। ना 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 जज्बाती हो गया अचानक, ये एंट्री गौर से देखें, क्या इस एंट्री में कुछ सरप्लस ओसी में जा रहा है, फॉरन इसी डेट पे डेफर्ड टैक्स रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करके आगे जाना है, जब भी कभी सरप्लस डेबिट या क्रेडिट हो जाए अदर देन एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, तो उसी दिन इसकी वजह से जो डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट है वो फाइनल करके आगे जाना है, और सरप्लस ने उसकी वजह डेबिटेड या जो क्रेडिटेड होना है वो डिसीजन, ये डिसीजन किसे लेना है, साल के शुरू में एंड में, कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें साल के शुरू में रिवैल्यूएशन थी, अभी एंड में है तो एंड में है, जिस दिन सरप्लस रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा उसी दिन आपने रुके, टैक्स अगर इन्वॉल्व है तो टैक्स इफेक्ट कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है,
लेकिन इसमें भी अब गलती ना हो, फाइनल डिसीजन सुने मेरे से, किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, और 12,000 किसको देख रहा हूँ, कौन से छे को, सरप्लस वाले छे को गौर से देखा मैंने, रेट क्या जेन में आया, कैलकुलेटर पे क्या आया, 2.4 क्या आया, टैक्स इफेक्ट ऑन सरप्लस, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, अब सरप्लस क्रेडिट हो रहा है, इसकी एंट्री कैसे बनाओ, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, एसेट भी देख सकते हैं, एसेट कितने से बढ़ रहा है, बढ़ वो 12 से रहा है, लेकिन उसमें जो 6 है वो हमारे साथ कंसर्न है, क्या कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटी क्रेडिट बाय 2.4 एंड सरप्लस डेबिट बाय 2.4 हो जाएगा। जी सरप्लस डेबिट के साथ ओसी लिखेंगे, कब लिखेंगे यार, हमेशा लिखेंगे यार, अदर देन कौन सी एंट्री यार, आई होप कि मैं आपको तंग कर रहा हूं, और लग रहा है आप हो भी रहे हो, यहाँ की तंगी मैटर करती है, हर जगह आसानी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस तंगी के बाद जरूर आसानी कहीं होगी। जी सर ओके, याद रहेगा आप, ये फाइनल बोल दें सेंटेंस, आसिफ फ्रेंड ने तो बार बार बोला लेकिन बाकी ने पता नहीं ट्राई किया ही नहीं, ये काम किस दिन कैसे होगा, ये इतनी जल्दी बात खत्म नहीं हो सकती, 2 सवाल 30 सेकंड में ही आंसर पूरा होना चाहिए, चाहे आराम से बोलो किस क्या होगा, ये अगर मैं खतरा लग रहा है कि सेंटेंस खत्म होगी तो स्लो कर लो, अरे बात लंबी है, जिस दिन सरप्लस डेबिट या क्रेडिट होगा अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, उसी दिन उससे रिलेटेड टैक्स इफेक्ट का भी डीएन होगा, डेबिटेड या क्रेडिटेड करके सरप्लस, ठीक हो गया, मुझे टाइम लगता है आपको नहीं लगता, तेज बंदों में और मेरे जैसे स्लो लोगों में बड़ा फर्क है। ये 2.4 डन है, लेकिन सर अब जरूरत हमें फिर पढ़नी है, एक और लेजर की भी पढ़नी है, कौन सा कौन सा, उसकी क्या पढ़नी है, इसी साल से ट्रांसफर होना है, होना तो अगले साल से है, लेकिन जरा सरप्लस पता तो चले है कितना है, एक और लेजर खोलेंगे, ये कितने लेजर खोलेंगे, जितने जरूरत पड़ेगी, एक ही तो बता दें कितनी जरूरत पड़ेगी, ये ना वहां पता चल ना ही यहां इस वक्त बताना चाह रहा हूं, कर लें कर लें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लें ताकि जहन जरा खुल जाए, जी सर वैल्यूएशन सरप्लस, सही डेट इसकी लिख लीजिएगा कम से कम, क्योंकि कई सालों बाद आया है, 30 जून 2010 है, जी सरप्लस की एंट्री बताएंगे, प्लांट रेफरेंस आएगा, हाँ प्लांट डेबिट सरप्लस क्रेडिट कितने से, 6 6 सरप्लस के लेजर में 6 आना है, अगली एंट्री गौर से देखें, इसी डेट पे 30 जून 2010 एवेल्युएशन सरप्लस डेबिट डेबिट टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से, 2.4 डबल इफेक्ट सेकंड इफेक्ट इसका पूरा करें, डेबिट टैक्स लाइबिलिटी के लेजर में जाएं, उसका ब्रॉड डाउन उठाएं पहले, हाँ जी मेरा ख्याल अभी साल शुरू भी नहीं हुआ हुआ, ये कौन कौन से साल एंड हुए, रिलैक्स रह के रिलैक्स रह के, 7 8 9 ये 10 के एंड पे काम हुआ है, तो ब्रॉड डाउन उठाएं, 3.968 डबल एंट्री बोले, क्रेडिट साइड पे फिगर आएगी, बाकी बैलेंसिंग होती रहेगी इंशाल्लाह, ये रेंट पे बैलेंसिंग होनी है, अभी सरप्लस के रेफरेंस से कितनी फिगर आ जाएगी, 2.4 आने दे आने दे, मर्डर है, सोच ले 2.4 क्या एंट्री बनी है, 2.4 सरप्लस डेबिट डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, दो छोटे छोटे काम करके आगे चले, रिमेनिंग लाइफ गिन लें, वजह रिवेल्यूशन हो गई है, 6 साल काउंट कर लें, एक तो 6 हो गया,
दूसरा डिसीजन लें, इस साल डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ईयर एंड पे तो रिवेल्यूशन हुई है, कर लिए थे आप, अगले साल से करेंगे, छह साल के बेस पे सरप्लस इसी साल से ट्रांसफर करेंगे, कब से शुरू करेंगे? जब अगले साल से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो सरप्लस भी ट्रांसफर करेंगे, मतलब इसका ये हुआ सरप्लस के लेजर में आए, सरप्लस के लेजर में ये ईयर एंड पे फिगर आई है और देयरफॉर नेट होके ईयर एंड पे ही सीडी बच जाएगा 3.6, इसी साल ट्रांसफर होगा या उस साल जिस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, प्लीज फॉलो कर रहे हैं? तो सरप्लस वाइंड अप हो गया है, सरप्लस का लेजर तो इस साल खत्म हो गया है, अब जरा देख के बताएं क्या रह गया। अरे अरे जरा सांस ले ले, सांस ले ले, ले लिए सांस, जरा सब कुछ देख के बताएं कहां पहुंचे हुए हम, नहीं टेबल से पहले कहां पहुंच गए थे, 2010 में एंट्रीज हो गई, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, एलिमिनेशन हुई, रिवैल्यूएशन हुई, डेफर्ड टैक्स हो गया, अब ईयर एंड पे डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके ये देखना कि क्या कोई फॉर द ईयर में चेंज तो नहीं है, तो कहां जाए, कौन से टेबल, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाले टेबल में इकट्ठे हों, बिल्कुल ठीक है एम यूसुफ साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया, डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं अकाउंटिंग में कितनी है, राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है, 9.216 कैसे ही फिगर, WDV इनटू रेट, लेकिन एक मिनट जज्बाती ना हो जाएगा, बोर्ड पे देखें क्या रिवेल्यूएशन के रिजल्ट में एसेट में कोई चेंज आया, कितने से चेंज आया, 12 लिखना चाह रहा हूँ लेकिन अगर दो रेफरेंसेस हैं तो अलहदा अलहदा छः छः करके लिखना, वैसे तो इकट्ठा लिखा जा सकता है, एसेट तो 12 से क्रेडिट है, 8-8 अलहदा अलहदा लिख रहा हूँ, सॉरी 8-8, 6-6 लेकिन इकट्ठा लिखा जा सकता है क्योंकि एसेट ने 12 से ही डेबिट होना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वाय एसेट बढ़ रहा है यार, जी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी मेरा ख्याल 60 टैक्स बेस पता 36.864, और असल इश्यू अब आ रहा है, अब आया चाह रहा है, डिफरेंस आ रहा है 23.136 टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल मल्टीप्लाई बाय 40% इज इक्वल टू 9.2544, क्या चीज आई, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का लेजर फाइनल करें, ठीक है जी, 9.2544 यकीनन राउंड ऑफ हो सकता है, बाद में आपने रिकंसिलिएशन ही मेरे से फाइनल करवानी, इसलिए मैं पूरे पॉइंट्स में जा रहा हूँ जी। अभी साहब आपके साथ एक लेफ्ट साइड पे भाई जरा चेयर छोड़ के बैठे हुए, इनके जरा तो मुझे नाम नहीं पता, कुछ पिछला कवर हुआ सर कहाँ तक, नहीं ISL हो गया, ISL हो, ISL तो किया पता ना, कंसोलिडेशन रहती है, ठीक है ठीक है, नहीं अचानक आपको देख के याद आया था कि इसके लेक्चर पेंडिंग थे भाई के, काफी अच्छा पहले मुलाकात हुई थी ना हमारी, जी सर 9.2544 क्या आ गया, अब क्या करें, आप क्या करें, लेजर बनाए कौन सा 9.2544 बैलेंस करें सही कंसंट्रेशन से 2.8864, क्या हो रहा है इससे, लाइब्रेरी बढ़ी है कम हो रही है, डबल एंट्री बनाए 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 अपने हाथ से वाइंड अप कर दें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है,
30th June 2010 deferred tax expense debit deferred tax expense credit. कितने से 2.8864. ये तो राउंड ऑफ नहीं करना होता, करना होता है, करना होता है। जी सर, एक एंट्री और रहती है, जरा सोच के बताएं क्या। पिछले सालों ये बहस क्यों नहीं हुई जी? स्पासा में आ रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से करना हो तो हम करंट टैक्स नहीं निकाल सकते। मैं ये जानबूझ के कल से एक वर्ड यूज करना शुरू हुआ हूँ, शायद आपके जहन में कोई पुरानी बात आ जाए। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के कई तरीके डिस्कस हुए हैं, इंशाल्लाह किसी ने अब मैं कहूंगा तो आप रिवाइज कर लेंगे, लेकिन करंट टैक्स कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कहां से शुरू करके कहां। और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है तो हम डिफरेंस तो ले सकते हैं, और डिफरेंस से डेफर्ड टैक्स तो आ सकता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर नहीं है तो टैक्सेबल प्रॉफिट तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, हमारी करंट टैक्स की वर्किंग बड़े सही हो गया, फिर वर्किंग ये कितने का सफेद दूर हो गए हैं, एंट्रीज नजदीक आती जा रही है सर, उधर भी नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे इधर ही जा रहे हैं उधर से भी नजदीक आते जा रहे हैं। ना कर यार, नुमान को दाग रही है, इतनी मायूसी से सफेद गिन रहा है। अच्छा लग रहा है यार, तेज हो गए, एक सवाल इतना बड़ा नहीं नहीं मैंने तो पूछा यार, मेरा तो काम ही आपको बड़ा तंग करता है। जी सर, जी सर, ये करें नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग करें, करंट टैक्स की वर्किंग करें 2010 की। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? 60, फेयर वैल्यू उठा लिए 60 है, 2010 का अकाउंटिंग प्रॉफिट होना जी, रिस्पेक्टिवली गिवन है 80 है 60 है, स्टार्टिंग पॉइंट जी। ये करें इधर इंडिविजुअल करें, मैं देखता हूँ आप कहाँ तक पहुँचते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक, आपको कैसे पता ये लेस हुई होगी पहले? अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहा जा रहा है तो इट शुड हैव बीन कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेक्टली। 6 मिलियन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बताएं क्या है, किस साल की वर्किंग हो रही है, सही ढूंढनी है कांडी, टेबल में है फिगर्स, 2010 करंट टैक्स। ना 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 ना, एक मिनट, जज्बाती हुआ भाई, टैक्स डेप्रिसिएशन लिखवाएं 9.216 एड एस लेस। लेकिन सर एक चीज और छुपी हुई है, अगर कहीं ढूंढ सके, रिवर्सल ऑफ लॉस और एंट्री देखे, क्या इसका भी कोई हिस्सा प्रॉफिट लॉस में गया होगा? कैसे? 6/12 कौन सा 6? रिवर्सल ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसने क्या किया होगा? प्रॉफिट बढ़ाया होगा, लेकिन टैक्स वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करेंगे यार, सरप्लस तो प्रॉफिट लॉस में जाता ही नहीं, सरप्लस की बात ही नहीं हो रही, उस 6 की बात नहीं हो रही, किस 6 की बात हो रही है? जो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाके रिवर्स हो रहा है उसकी बात हो रही। तो लॉस ने क्या किया होगा? इस रिवर्सल ऑफ लॉस ने प्रॉफिट बढ़ाया होगा, हम क्या करेंगे? सोच के करें जरा क्या करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बताएंगे, 6 प्लस या माइनस? Y माइनस प्लस, हम आज जाने दे गुस्सा यार, माइनस या प्लस मिस्टर हमास? रिवर्सल ऑफ लॉस से पहले प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, तो माइनस होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? आंसर किस चीज का, किस चीज का?
टैक्सेबल प्रॉफिट की अमाउंट बताएं, 52.784 की डबल एंट्री बताएं। नो नो नो, कौन सी डबल एंट्री, कौन सी कौन सी, मल्टीप्लाई बाय रेट करें, आंसर बताएं। राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है। 11136, 21.1136 जी डबल एंट्री लिखें। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन कर लें यार, बड़े हो गए अपन, प्रोविजन से मिलाया 87, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट, जरा आदत बना लेते हैं, कोशिश करते हैं। प्रोविजन क्या होती है, ट्राई 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 ट्राई, तो टैक्स पेएबल लायबिलिटी है लेकिन अमाउंट में टाइमिंग में अनसर्टेनिटी होने की वजह से क्या डबल एंट्री लिखी जाएगी, करंट टैक्स डेबिट, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स क्रेडिट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट बनेगी 21.1136 एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाइए। करंट लायबिलिटी नॉन करंट, सही बताइएगा यार, करंट है ये, करंट है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में 3 महीने बाद सितंबर दिसंबर में ये करंट टैक्स है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है, और डेफर्ड टैक्स एसेट अगर हो तो वो नॉन करंट एसेट है, डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करंट एसेट है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट टैक्स पेबल है, करंट लायबिलिटीज में नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर सितंबर में और 31 दिसंबर वाले दिन कंपनीज के केस में नेक्स्ट 12 मंथ्स में इससे पे होना होता है। एनी कंफ्यूजन, आई होप के बात समझ आ गई है, कुछ रह गया नहीं, 10 खत्म हो गए, अब कौन सा साल रह गया, हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ो। June 11 इंडिविजुअली वैसे ख्वाहिश करें, हाँ जी इस साल कोई रिवॉल्यूशन तो है नहीं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी शुरू करें, मैं लिखता हूँ, लगाएं जरा 2-3 मिनट, कोई नहीं मत डरें, गलत हो जाएगा, चांस ये भी है कि सही हो जाएगा। अपना अपना प्लीज, अपना अपना साथ वाला भाई कर लेगा ठीक इंशाल्लाह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, साहब ने मैसेज किया है, आवाज नहीं आ रही, गुलाम मुहिद्दीन जाने दे गुस्सा, इसलिए आवाज नहीं आ रही कि मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, मैंने कहा डिस्टर्ब ना।
ये लेजर्स भी सारे पूरे कीजिएगा, सारी वर्किंग सारे एंगल्स। एंड में मैं सब मैच कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, मैं सारी मैं फिगर्स दिखा देता हूँ, आप लोग कल इंडिविजुअली करने की कोशिश किया। जी इस साल भी करंट टैक्स की वर्किंग हो जाएगी, अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट अवेलेबल है 80 मिलियन। हाँ जी 80 मिलियन अवेलेबल है, करंट टैक्स की वर्किंग अगर एंट्रीज मांग रहा है और करंट टैक्स की वर्किंग हो सकती है तो फिर करंट टैक्स की वर्किंग भी करेंगे। इस साल की डेप्रिसिएशन बनी है 10, टैक्स की बताइए 7.3728। डिफरेंस आ जाएगा ट्वेंटी पॉइंट 29 है। अच्छा सॉरी, डिफरेंस से पहले करेंगे, अमाउंट बताइए 29.491, डिफरेंस 5088 मल्टीप्लाइड बाय रेट 40। जी आंसर आसिफ बताएगा, मिस्टर आसिफ आंसर बताएगा, रुक जाए सिर्फ जिसका नाम आसिफ है वो बताएगा। आसिफ अक्सर फिगर्स बताना चाह रहा, बच्चे पहले बता देते। जी आसिफ साहब, अब बाकी आप कंप्लीट करते रहे करते रहे करते रहे। जी मिस्टर आसिफ, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस किया भाई 9 पॉइंट, जान दे यार गलत ही करवा रहा, 2011 की बात हो रही है, नहीं डिफरेंस, मैं डेफर टैक्स लाइबिलिटी कह रहा हूँ। साथ वाले से क्या पूछ रहे हैं, साथ वाले बताए रजिस्टर में कहाँ है, परेशान हो गया, रिलैक्स है, फिगर सॉल्व की हुई इसी मैंने पूछा, बता दे क्या फिगर, यकीन नहीं आ रहा मैंने किया 8.20352, अभी भी लाइबिलिटी है यार। 11 की फिगर पूछ रहा हूँ, आसिफ आई हुई फिगर, अब आ गई बोर्ड पे, अब बोर्ड भी आ गए, मेरे जैसी रखते तो ना करे बगैर कैलकुलेटर के लगाओ। सीडी सीडी 8.20352, आंसर 1050 88, 1.05088 लाइबिलिटी मेरा ख्याल है कम हुई है, करें एंट्री, डेबिट एक्स लाइबिलिटी डेबिट स्पेंस क्रेडिट 10.10 1.05088। बहरहाल आई होप के कम से कम ये देख के आपको पता चल गया कि राउंडिंग ऑफ कर लेनी चाहिए, वरना जिस तरीके से हम ये फिगर्स देख रहे हैं अल्लाह करे एक ही सवाल की फिगर पूरी हो रही है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, कोई नहीं टेंशन ना लीजिएगा, आप सब लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन तो एंड हो गया लगता है, बाकी टाइम क्या करेंगे, तो कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं, प्लीज सवाल है रिकंसिलिएशन तो एक मिनट में बना देंगे। आप बी पार्ट करने की कोशिश करें अगर किसी का ख्याल, वैसे कौन कितनी एंट्रीज हुई है इस साल, 4 हुई है, करंट टैक्स कर ली है,
करंट टैक्स की अमाउंट बताएं। हाँ ठीक है, अगर 33 पॉइंट समथिंग आ गया तो बी पार्ट करें, हो जाना वो तो। अपना आप खामोशी से कैंडी सही वाइंड अप करें। ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस बेटा यकीनन होना नहीं बेटा, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस प्लीज वन नहीं है, वन नहीं है, सरप्लस रहे 3.6 गया है, 6/6 नहीं है सरप्लस के लेजर में, सरप्लस इज नॉट 6, इट इज 3.6, 3.6/6 नेट ऑफ टैक्स ट्रांसफर होना है, नेट ऑफ टैक्स हो गया हुआ है ये, प्लीज हो गया। कल भी कंडीशन की फिगर आई थी, रिवाइज करें ढूंढ के जरा। हमारे लेजर में सरप्लस के लेजर में 3.6 रह गया है, बात समझ आ गई है? हाँ जी 0.6 ओके हो गया। सरप्लस नेट ऑफ टैक्स हो जाना है और उसके बाद फिर इसे नेट ऑफ टैक्स ही ट्रांसफर होना है। ये करंट टैक्स की वर्किंग करवानी है आप लोगों ने, अगर कर लिया तो जरा मुझे बताइए। ये मैं सारे लेजर दिखा देता हूँ लेकिन पहले अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं सारी वर्किंग लेजर दिखा देता हूँ, मुझे एक लास्ट वर्किंग जरा करवा दे। लास्ट ईयर में करंट टैक्स 2011 की एक मिनट वर्किंग करवाई, एक सेकेंड दस मिनट। जी स्टार्टिंग पॉइंट अमाउंट 80, काउंटिंग डेप्रिसिएशन 10 एड, टैक्स डेप्रिसिएशन 7.3728। इस साल तो नहीं कोई लॉस वगैरह, इस साल सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। सॉरी टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे 80.6272, टैक्स रेट 40% चला है, 33.0050 पार्ट बी करके रिलैक्स, अगर आप हैं तो है, अगर पार्ट बी हुआ तो फिर आप रिलैक्स लग रहे हैं और अगर नहीं है तो अभी रिलैक्सेशन ही आई। 33.05088 पार्ट बी में फिगर्स इकट्ठी बस करनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स करंट टैक्स आ गया आपका। ये पिछले चार सालों में 2011 और 10 से पिछले 9, 8, 7 तीन सालों में करंट टैक्स की वर्किंग क्यों नहीं की आपने? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, फाइनल फिगर आ गई 33.05088। जी काइंडली वाइंड अप करें, नोट बना ले। एक सेकंड जरा कुछ वर्किंग्स, अगर कोई मैच करना चाह रहा है तो कर लें जरा, फिगर्स मैच नहीं। ये सबसे पहले मैं टेबल दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर का, जिन हजार ने फिगर जरा मैच करनी आप लोग बना लें जरा नोट, अगर कोई फिगर्स मैच करना चाह रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी। ये टेबल जरा अगर फाइनल है तो मुझे बताते रहिएगा, जो लोग फिगर्स मैच करना चाह रहे हैं तो आगे पीछे रह गए, फिगर अगर रिकनसाइल नहीं हो रही तो देखें। नहीं बेटा आप लोग करेंगे।
अगर कोई आगे पीछे रह गया है तो प्लीज साथ कंप्लीट कर लो। जी ओके, जो हजरात देख रहे हैं कैंडली बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डेफिट एक्स लाइब्रेरी का लेजर मैंने सामने किया है। जी जोहेब साहब, जिन्होंने नोट बना लिया, रिकंसिलिएशन बनाया। जी ओके, प्लीज डेफिट एक्स लाइब्रेरी का लेजर, ये फिगर्स पहले दिखा रहा हूँ यार, अगर कोई भी नहीं देख रहा तो बता दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जरा सरप्लस का लेजर भी कंप्लीट किया, ये मुझे भी जरा करवा दें। सरप्लस का लेजर ये हर बजे हो गया, मैंने कंप्लीट कर लिया, ये 3 क्लोजिंग होगा। ठीक सरप्लस है। अच्छा नेक्स्ट ईयर सरप्लस कितना ट्रांसफर होगा? ये सारा तो भी नहीं यार, अभी ऐसे चल रहा है, बताएं जरा नेक्स्ट ईयर कितना। ये खतरनाक आवाज आई कहीं से, रिपीट करिएगा ये आवाज आई। नेक्स्ट ईयर कितना? नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं, टेन, सरप्लस की 0.6, इसे डिवाइड बाय 5 करना चाह रहे हैं, उसको 10 रखना चाह रहे हैं, रेमेनिंग लाइफ गिनेंगे 11 कैंड में, अगले साल भी 10 डेप्रिसिएशन होगी और 0.6 स्ट्रेट लाइन मेथड पे ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन सरप्लस तो रह ही 3 के है, तो इसी तरह एसेट भी 50 रह गया हुआ है, तो डिवाइड बाय 6, 60 डिवाइड बाय 6 एंड 3.6 डिवाइड बाय 6 चलता रहेगा जब तक दोबारा रिवेल्युएशन ना हो जाए, रेमेनिंग लाइफ नहीं काउंट करेंगे। ठीक है सर, चले पार्ट बी दिखा दो। पार्ट बी में क्या बनाना था? नोट ऑन टैक्सेशन में क्या क्या लिखना है? हाँ जी, मर्करी वाटर इंशाल्लाह लिख लेंगे आप। नोट ऑफ टैक्सेशन में कौन कौन से साल का बनाना है? 11, 10 कंपेरेटिव बनाना है। जी करंट टैक्स की फिगर्स ढूंढ दें जरा, 10 की फिगर है 21.1136 और 33.05088, डेफर्ड टैक्स ढूंढ दें, एक्सपेंस और रिवर्सल में जरा फर्क रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। डेफर्ड टैक्स 10 में लिखवाएं 2.8864, एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ इस साल, लाइबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ 2011 में 1.05088 एक्सपेंस क्रेडिट हुआ हुआ है 2011 में, ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखिएगा। फाइनल लाइबिलिटी डेबिट होकर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 11 में और 10 में एक्सपेंस डेबिट होकर लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, एक्सपेंस डेबिट ब्रैकेट लगी हुई है, एक्सपेंस क्रेडिट ब्रैकेट नहीं लगी हुई है, कंफर्टेबल है? नेट ऑफ करें, बॉक्स फाइनल करें, 32 पॉइंट, अगर किसी का 99 आ रहा है तो जरा बता दें, नहीं आ रहा इसलिए तो मैंने ये सब कुछ किया, पूरा 32 आ रहा है, चेक कर ले जरा, इसी पॉइंट से तो बचने के लिए मैंने ये किया, नहीं यकीन माने, और फिर भी अगर आ गया तो दोबारा करते हैं फिर 32, ठीक है सर, और पिछले साल 24, और यार कैसे आ सकता है ऊपर इतने सारे डिजिट है, प्लीज ठीक है सर, 32 एंड 24, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव फिगर्स है यार, तुम नेट एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस। जी रिकंसिलिएशन उसने मांगी तो नहीं है, लेकिन जरा रिवाइज कर ले, बना लेते हैं,
बनाई थी रिकंसिलेशन, दोनों सालों की रिकंसिलेशन बनवाए। कहां से शुरू होती है? शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80-60, टैक्स रेट हो गया 40%, 18 to 40 32, 16 to 40 24, परमानेंट डिफरेंसेस ढूंढने, रेट चेंज ढूंढने, तो रिकंसाइल तो हुआ नहीं, क्यों हो गया? ना कोई परमानेंट डिफरेंस है, ना कोई रेट चेंज है, 32 और 24 रिकंसाइल अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है जी। नेगेटिव है वो प्रॉफिट एंड लॉस में है, ये नोट्स में है। प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से ब्रैकेट लगी हुई है और नोट्स में है, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर ये मैच ही नहीं है। ये बातें मिले आइएगा, ये बातें मैं जानबूझ के करना चाह रहा हूँ। रिकंसिलिएशन के नीचे क्या आता है, बल्कि मैंने उसी लाइन में लिख दिया, अफेक्ट नहीं, दो तीन आएंगे ना, नहीं चले एक्सपेक्टेड टैक्स मैं लिख देता हूँ, 32 एंड 24 इज एक्सपेक्टेड टैक्स। इसके आगे क्या आता है अगर आए तो? इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंस आता है और इफेक्ट ऑफ रेट चेंज आता है और एक्चुअल टैक्स से इंशाल्लाह मैच हो जाता है। लेकिन क्या यह इफेक्टिव टैक्स ही एक्चुअल टैक्स है? उसकी वजह एक्सपेक्टेड टैक्स, एक्सपेक्टेड टैक्स, एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल की वजह क्या है? एनी कंफ्यूजन जी? फाइनली चलिए इसके नीचे क्वेश्चन है, उसको खामोशी से पढ़ते हैं भी, अलहमदुलिल्लाह टाइम बहुत जी। ना बेटा कोई परमानेंट डिफरेंस है और ना ही कोई रेट चेंज है, देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकंसाइल्ड है।